मजेदार कविता जो कि कैफिया आसमी द्वारा लिखित है उसकी व्याख्या देने जा रहे हैं। पहले पद में वह ये बताते हैं कि जो सैनिक है वह अपने देश के लिए अपनी जान देने तक तैयार रहता है, वह उसकी चाहे सांसें थम जाए या उसकी नब्ज जम जाए वह कभी हार नहीं मानता है। वह हिमालय पर्वत की शान खतरे में न आने दे उसके लिए अपना सर तक कटवा लेता है। वह जिंदा रहने के कई मौके हमारी जिंदगी में आते हैं किंतु मरने का केवल एक ही बार समय आता है। जो सैनिक अपने देश के लिए अपनी जान देता है वह सबसे अच्छा वही सच्चा सैनिक कहलाता है। आज लड़की खून से रिपती हुई है और वह दुल्हन जैसे प्रतीत हो रही है। इस समय हम ये चाहते हैं कि नए काफिले कभी इस रास्ते में वीरान ना हो। हमेशा एक धरती में सैनिक अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहे व हम अपने सर से कफन बांध लें और अपने देश के लिए कुर्बान करें। सैनिकों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी दुश्मन सीमा के पार आए तो उसके हाथ तोड़ दिए जाए, उनको हाथ तोड़ने के वैसे तो हम अहिंसावादी हैं, लेकिन देश की अस्मिता पर अगर आ जाएगी तो अहिंसा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अहिंसा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन कब? देश की इज्जत पर बात आएगी, देश के नाम पर कोई आंच ना आने देंगे। हम ही राम है और हम ही लक्ष्मण। अंतिम सलाम भारत के नाम।